एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग गाइस। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब मार्केटिंग है क्या और हम कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू हम यूट्यूब पर मार्केटिंग कर सकते हैं और वहां से गाइस हम अपनी ब्रांडिंग तो कर ही सकते हैं, साथ ही हम वहां से अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप, बहुत सारे लॉट ऑफ थिंग्स वहां पे होती हैं जब आप एक YouTube के थ्रू मार्केटिंग की हम जब बात करते हैं। तो गाइस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस अगर मैं YouTube मार्केटिंग की डेफिनेशन की बात करूं तो YouTube मार्केटिंग होता क्या है, ये आपका सवाल होगा। तो YouTube मार्केटिंग हम उसे कहते हैं जब हम अपने किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी अपने बिजनेस को YouTube पर प्रमोट करते हैं तो उसे हम YouTube मार्केटिंग कहते हैं। तो आई होप आपको YouTube मार्केटिंग की डेफिनेशन या फिर कहिए कि YouTube मार्केटिंग किसे कहते हैं वो क्लियरली समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि YouTube मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, Why we should do YouTube marketing? तो YouTube marketing हमें इसलिए करना चाहिए कि YouTube के थ्रू अगर हम YouTube marketing करते हैं तो guys हम easily बहुत तेजी से grow कर सकते हैं, number one। और दूसरी चीज क्या होगा, यहाँ पर आप अपने brand को promote कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो आपने कोई अपना channel बनाया कि हमने अपना, जैसे हमारा channel है Tech Amrit, तो आपको ही ऐसे ही अपना कोई यूनिक सा नाम अपने चैनल के लिए आपको सोच सकते हो। पहली चीज मैंने क्या बताई, हमें क्यों करना चाहिए यूट्यूब मार्केटिंग, तो तेजी से हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, और दूसरी चीज यहाँ पे हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस यूट्यूब मार्केटिंग करने से पहले क्या ऐसी चीज है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि आपका एक YouTube चैनल होना। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना एक YouTube चैनल क्रिएट करना है। मान लो आप कोई क्रिकेट का चैनल स्टार्ट कर सकते हो, तो आप क्रिकेट का चैनल मान लो क्रिको, या फिर अलग सा आप अपने नाम से भी, मान लो आपका कोई नाम है तो आप उस नाम से भी एक क्रिकेट चैनल बना सकते हो, और इसको यहाँ पे फिर क्रिएट चैनल करके आप एक चैनल क्रिएट करो सबसे पहले, ठीक है। तो चैनल क्रिएट करना गाइस बहुत ही टफ काम नहीं है, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है कि आप ट्रैफिक कैसे लाओगे। तो ट्रैफिक लाने के लिए गाइस, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो आपने बना लिया, बट जब आप गाइस कंटेंट पोस्ट करोगे वहां पे डेली कंटेंट, आपको पहले नीच सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से नीच में सबसे बेस्ट हो। मान लो जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया क्रिकेट का, तो क्रिकेट से रिलेटेड ही आपको देखिए कई सारे चैनल्स मिल जाएंगे। जैसे मैं वन ऑफ द पॉपुलर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे चैनल हैं, कुछ लोग क्रिकेट के रिव्यूज़ चैनल बनाते हैं, जैसे कि एक मेरे जो वन ऑफ द फेवरेट चैनल में से एक है वो है RJ रौनक नोपो। गाइज अगर हम इनकी वीडियोस को देखें गाइज, ये जो कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करते हैं दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब जिस तरीके से ये एंटरटेनमेंट लाते हैं, ये सारी चीजें ये अपनी वीडियोस में रखते हैं जिससे कि लोग इंगेज होते हैं इनके साथ। तो ये तो एक ही एग्जांपल है, ऐसे कई सारे क्रिकेट चैनल हैं अगर आप सर्च करो। मैं गाइज ये सिर्फ एक नीच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको गाइस कई सारे क्रिकेट चैनल देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब क्रिकेट चैनल तो आपको कई सारे चैनल्स मिल जाएंगे। आप उनसे आइडियाज ले सकते हो कि आप किस तरीके की वीडियोस बनाना चाहोगे। जैसे अगर मान लो आप चाहते हो कि कोई रिव्यू चैनल, मतलब जैसे कोई मैच खत्म हुआ उसका रिव्यू बना दो, फिर आप चाहते हो कि जैसे टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स, टॉप 10 बेस्ट कैचेस, ऐसी वीडियोस बनाना चाहते हो ऐसे बना सकते हो। तो ऐसे ही आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरीके की वीडियोस बनाना है, फिर आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपको
YouTube चैनल क्रिएट कर लेना है और उसके बाद आपको अपना कंटेंट पोस्ट करना है। तो भाई, तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि YouTube पर ग्रो करने के क्या क्या टिप्स हो सकते हैं। नंबर वन गाइज, क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देना है। कि आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो नीश है वो किस कैटेगरी मेरी से रिलेटेड है। अगर आपकी कैटेगरी है कि आपको मतलब डेली वीडियोस बनाना है, जैसे मान लो अगर आपका व्लॉग चैनल है, पर तब तो आपको डेली वीडियोस ही बनानी पड़ेगी। बट मान लो अगर आपका कोई ऐसा चैनल है जिसमें आप दो तीन दिन रुक सकते हो, मतलब दो तीन दिन पर एक वीडियो डालो, तो वहाँ पर आप क्वालिटी कंटेंट बनाने पे ज़्यादा ध्यान दोगे एज कम्पेयर विद क्वांटिटी। तो आपको अगर अपना चैनल तेजी से ग्रो करना है तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी। आपको क्या करना होगा, आपको जैसे भी आप वीडियो बनाते हो, आप जैसे मान लो आप डेली वीडियो बनाते हो, तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आपको डेली बना रहे हो तो डेली बनाओ, दो दिन छोड़ के बना रहे हो तो दो दिन छोड़ के बनाओ, वीक में एक वीडियो बना रहे हो तो वीक में एक वीडियो जरूर बनाओ। तो ऐसा आपको जरूर करना है कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है ताकि आप YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को रीच कर पाओ। तो फिर गाइज हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, परफेक्ट थंबनेल। तो गाइज आपको जैसे कि हमारे चैनल पे ये थंबनेल दिख रहे होंगे, तो ऐसे ही आपको परफेक्ट थंबनेल्स बनाने हैं ताकि आपका जो ऑडियंस का एंगेजमेंट है वो ज़्यादा बढ़े। लोग जैसे ही आपके थंबनेल को देखें वो तुरंत क्लिक कर दें। तो आपको अपने थंबनेल पे काम करना है। और अगली चीज, कि आपको जो कीवर्ड्स हैं, जो सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप देख पा रहे होंगे कि आप अपने कीवर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करिए। आप अपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को डाल सकते हैं ताकि आपकी वीडियोस रैंक कर सके। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं गाइस, जैसे कि गाइस आपकी हमारी जो ये वीडियो है ये थर्ड नंबर पर रैंक कर रही है, तो ऐसे ही गाइस आपको भी करना है कि आपको ऐसी वीडियोस बनानी है जो कि रैंक भी करे कम से कम। तो इस तरीके की वीडियोस आपको अपना SEO ठीक करना है, उसके लिए आपको कई सारे टूल्स मिल जाते हैं जैसे कीवर्ड प्लानर हो गया। तो ऐसे ही आप अपना SEO अच्छा करो और फिर आपको गाइस अपना YouTube मतलब आप कई सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो कि कैसे मुझे यहाँ पे ग्रो करना है। और एट द एंड आप क्या कर सकते हो, आप पेड एड चला सकते हो। जैसे कि आप अगर मैं बात करूँ, अगर आप अपने वीडियोस को प्रमोट करना चाहते हो यूट्यूब पर, तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल एड्स का सहारा ले सकते हो। जिसमें क्या होता है कि आप गूगल एड में पैसे लगाते हो, एक मिनिमम एक जितना अफोर्डेबल अमाउंट जो आप चाहते हो, और उसके थ्रू आपकी वीडियोस यूट्यूब ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता है जितने पैसे आपने लगाए होते हो उसके बेस पर, और फिर आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगती है और इससे आप तेज़ी से वहाँ से ग्रो कर सकते हो। ये तो हमने बात की कि कैसे हम यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, कैसे हम उसको ग्रो कर सकते हैं। तो उसके बाद अब बात आती है कि हम कैसे यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हैं, आइए वो समझते हैं। तो इसके लिए गाइज मैं आपको तीन स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू आप यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यूट्यूब मार्केटिंग होता क्या है, वो होता है कि आप अपना प्रोडक्ट या फिर आप अपना बिजनेस को यूट्यूब के थ्रू कैसे प्रमोट कर सकते हो। तो अभी मैंने बताया था कि यूट्यूब पर मार्केटिंग करने से पहले आपको एक यूट्यूब चैनल तो बनाना होगा ना, तो वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, उसको कैसे ग्रो किया जाता है, ये सारी चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आप यूट्यूब पर मार्केटिंग करते हो। नंबर वन, कि आप यूट्यूब पर अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक माइक का रिव्यू किया था, बोया का माइक। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे गाइस आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे ही अमेज़ॉन के या फिर कहीं के भी प्रोडक्ट्स को अपने चैनल पर प्रमोट करते हैं, और वहाँ पे आप वो क्या करते हैं, लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करते हैं।
जैसे कि मैं आपको अपने चैनल पर भी दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखें मैंने मतलब जो जो प्रोडक्ट्स मैंने जिनको प्रमोट किया था तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो गाइज मैंने उनके लिंक दे रखे हैं। जैसे देखिए बेस्ट कैमरा परचेजिंग लिंक ट्राइपॉड, जो कि मैंने खुद मैंने उसका रिव्यू किया था, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उनका लिंक दे दूंगा। जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं उनका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। और अगर लोग इस तरीके से अफिलिएट लिंक अपने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो, आप भी इसी तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो कि आप प्रोडक्ट का मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो कैमरा हो सकता है, जैसे कि मैं बताऊं कैमरा लोग कैमरा का रिव्यू करते हैं, है ना। जैसे मान लो आपको कोई कैमरा खरीदना हो तो आप सबसे पहले टेक्निकल गुरु जी के चैनल पे जाओगे ना। चलिए शुरू करते हैं। देखने को मिलता है कि वो हर एक प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, तो ऐसे ही गाइस बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे जो रिव्यू करते हैं और वहां से वो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जिससे कि अगर कोई भी पर्सन उनके अफिलिएट लिंक से प्रोडक्ट परचेज करता है तो वहां से आपके जो कह सकते हो कि आपके सेल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको अमेजोन अफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना होता है, जो ताकि आप सारी चीज़ें जैसे मैंने क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी अपना, ये देखिए मेरा खुद का एक अमेजोन अफिलिएट अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको सिंपली अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम गूगल पे सर्च कीजिए और आप वहाँ से सिंपली साइन अप करके सारी चीज़ें इजीली यहाँ से आप कर सकते हो। अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम पे जाना है आपको, साइन अप कर सकते हो और यहाँ से आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहली चीज क्या हुई कि आप मतलब आप अफिलिएट प्रोग्राम के अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। दूसरी चीज क्या होती है कि स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा कि कई सारे जो मतलब यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने वीडियो में सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। वो बेसिकली क्यों करते हैं, क्योंकि वो उन्हें स्पॉन्सर्स दिए जाते हैं, ताकि उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली होती है, इसके लिए वो अगर उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं आपको तो अगर आप वो प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उनको कमीशन मिलता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें रीच करती हैं। क्योंकि वो इसलिए रीच करती है क्योंकि उन यूट्यूबर्स के पास अच्छा खासा ऑडियंस बेस होता है। तो गाइज इसी तरीके से आप यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल पर नहीं आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली ऐसी और भी वीडियोस को आप मिस ना करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए टेक केयर।